छोड़कर देखो। पर अब मुझे पता चला कि हम अपने बीते कल को भुला नहीं सकते। बचपन से तुम्हारी आदत रही है सबसे तगड़े आदमी से बैठने की, पर हमेशा मैं ही तुम्हें उनके चंगुल से निकालता था। आराम करो छोटे भाई, तुम्हारा आखिरी मसला भी मैं ही सुलझाऊंगा। मेरे भाई का ख्याल रखना, अगर इसे कुछ भी हुआ तो किसी को नहीं छोड़ना। तो आखिर तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो? क्या हम पहले यहाँ आते थे? आते नहीं थे, हमने ही शुरू किया है। अब इस स्पीड 9000 आरपीएम के अंदर रखना, उस बच्चे का पिस्टन 200 आरपीएम में गर्म हो जाएगा। मेरा स्टाइल अलग है, या तेज रफ्तार या मौत। मैं बस तुम्हें महफूज रखना चाहता हूँ। अभी भी बदले नहीं है। तुम कभी भी अपने आप को बचा नहीं सके। सही सही भाई, तेरे से मिलके जान में जान आ गई। मुझे भी खुशी हुई। हम स्कूल पहुंच गए जैक। पहुंच गए स्कूल। हाँ हम पहुंच गए हैं, बस अब मुझे वो दरवाजे का बटन ढूंढना है। तुम्हें मालूम है बटन कहाँ है? हाय। मुझे इस गाड़ी की आदत नहीं है ना। हाँ, वो तो तुम्हें देखकर ही लग रहा है। धीरे धीरे पड़ जाएगी।
ए, जाने से पहले मुझे हाई फाइव तो दो। हाँ, ये हुई ना बात। मदद के लिए शुक्रिया। फिक्र मत करो, तुम्हें इन चीजों की आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाए तो अच्छी बात है। मेरी तरफ उम्मीद से देखते हो, पता है कितनी तकलीफ होती है। हर खूबसूरत लम्हा हमने जो साथ बिताया, मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ। मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकती, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारे पास सिर्फ मेरी यादें हैं। मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ खुद के लिए। राजनयिक सुरक्षा केंद्र, लॉस एंजेलिस विभाग। काफी निराश लग रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? वो आखिरी गिरफ्तारी, वो बंदा बहुत सीधा था, उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। हाँ तो अच्छा है ना, मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम मिला और स्टैंप लगाने की प्रैक्टिस भी मिली। झूठ बोलना तो कहीं तुमसे सीखे। कल मिलते हैं बॉस। हाँ मिलते हैं। ज्यादा देर मत रुकना। मैं जब तक चाहूँ रुकूंगा पार्टनर। मैं जानती थी यही कहोगे। अलेना। ये क्या है? ये वो सिफारशी खत है जो तुमने मांगा था। इसमें जो भी लिखा है वो सब सच है। शुक्रिया हॉब्स, हर चीज के लिए शुक्रिया। चलो छोड़ो, तुम कुछ ज्यादा ही भावुक हो रही हो। घर जाओ। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। के टेक्नीशियन तो नहीं लगते, अब जल्दी बखना शुरू करो इससे पहले कि वो उंगली तोड़कर ऐसी जगह घुसेड़ दूं जहां तुम्हें दर्द का एक नया एहसास होगा। एजेंट हॉब्स, सही कहा ना? बिल्कुल सही। जिसके कंप्यूटर से तुम जानकारी हासिल करने की गलती कर रहे हो, तुमने अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है बच्चे। यू आर अंडर अरेस्ट। यहां मुझे उनकी तलाश है, उस टीम की जिन्होंने मेरे भाई को अपाइस बनाया। यहाँ कोई टीम नहीं है, सिर्फ एक अकेला आदमी है जो इस वक्त तुम्हारे पीछे।
बेटा हमें चलना होगा, स्कूल में देर हो जाएगी। आजा। अपनी कार भी साथ ले जा रहे हो, पर एक बात बताओ स्कूल में पार्क कहाँ करोगे? मम्मी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, घर में होगी अभी आ जाएगी। मम्मी। चलो अपना सिर संभालना। टॉम तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है टोक्यो से। टोक्यो से? लगता है हम मुझे तेज रफ्तार इंजन में बदलना चाहता है। चलो तुम तैयार हो, अब हम चलेंगे। कार उड़ती नहीं बेटा। कार नहीं उड़ती है, तुम्हारी वाली तो उड़ती है। ब्रांच छोटी गाड़ी में हालात बदल चुके हैं। वो कोशिश कर रहा है टॉम, वो नहीं चाहता मुझे पता चले, पर उसकी जिम्मेदारियां उसे मजबूर कर रही है, मुझे समझ में आ रहा है। उस दिन मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पता है उसने क्या कहा? वो ना तो लड़कियों को मिस करता है और ना ही गाड़ियों को, वो मिस करता है तो सिर्फ बुलेट। इसके बाद मैं क्या कहूँ? सब ठीक हो जाएगा, उसे थोड़ा वक्त दो। तुम्हें लगता है 9 महीने काफी है? मैं तो भला मां बनने वाली हूँ। उसे पता नहीं, उसे बता देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी जिंदगी से या मुझसे निराश हो जाए। वो तुमसे कभी भी निराश नहीं होगा, तुम उसकी जिंदगी की खुशी हो, बल्कि हम सबकी। थैंक यू। क्या कर रहे हो? हेलो डोमिनिक टेरेटो, तुम मुझे जानते नहीं हो। कंधे की हड्डी टूट चुकी है, पैरों में 2 जगह फ्रैक्चर है। उसे आज सुबह ही होश आया है और होश में आते ही उसने सबसे पहले कहा, डॉम को बुलाओ। वो ऐसे ही मैं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वो इंतजार कर रहा है, चलो चलते। दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, मैं तुम्हारे रास्ते में जरूर आऊंगा, और अगर तुम बच के जाना चाहते हो तो अपने आप देखो कौन मिलने आया है। फाइल। थैंक यू। तुम अपनी जान की बाजी आजाद दुनिया को बचाने में लगाते हो, बदले में वो तुम्हें क्या देते हैं? सड़ा हुआ खाना और एक बकवास टीवी शो। इसके भी फायदे है दोस्त, नर्स प्यार से नहलाती है क्या? डैड। आई एम सॉरी बेटे। डैड। बेटे मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ, ये मेरा पुराना दोस्त है, इन्हें हेलो बोलो। डोमिनिक टोरेटो है ना? मेरे डैड कह रहे थे कि उन्होंने आपकी बहुत भलाई की। तमीज से बात करो। तुम्हारे डैड दिन में सपने बहुत देखते हैं, लगता है उन्हें गजनी की तरह भूलने की बीमारी हो गई है। मुझे नहीं लगता। चलो बहुत हो गया, अब जाओ एलिना के साथ जाकर कैंटीन में कुछ खा लो, तब तक मैं इनके साथ कुछ बातें कर लेता हूँ। चलो समांथा, कहीं घूम कर आ। अपनी ज़बान संभालना। किसने किया ये? तुम्हें ओवन शो याद है, जिसे पकड़ते पकड़ते आधा लंदन तबाह हो गया? ये उसका बड़ा भाई है। लो पढ़ो।
ब्रिटिश स्पेशल फोर्स का कातिल, तनों की खूबियों का मालिक, जिसे कोई भी सरकार अपना कर्मचारी नहीं स्वीकारेगा। ब्लैक ऑप्स संगठन, वो तो कुछ नहीं, उन्होंने एक दरिंदे का ईजाद किया। उनको लगा शॉ एक जरूरी दरिंदा है, लेकिन आखिर में उन्होंने फैसला किया कि उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार को लगा वो जरूरत से ज्यादा जानता है। एक खूबी जो मुसीबत बन गई, तब उन्होंने 20 सिपाहियों को उसे खत्म करने भेजा और वो चूक गए। ये 6 साल पुराना किस्सा है, उसके बाद से शॉ लापता था। अब नहीं छिप सकता, आखिर कहां मिलेगा वो? मेरा ऑफिशियल जवाब है, उससे दूर रहो। उसने हॉर्न को मार दिया, मेरे परिवार पर हमला किया। उसने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। यहाँ से निकलते ही मैं उसकी ऐसी धुलाई करूंगा कि वो सोचेगा उसकी माँ ने उसे पैदा ही क्यों किया था। पर तब तक मेरा सरकारी फरमान है, उससे दूर रहो। मुझे रोकना अब नामुमकिन है। मैं जानता हूँ टॉम, इसलिए अब मैं तुम्हें जो मशवरा दे रहा हूँ, एक भाई के नाते दे रहा हूँ। तुम्हें उसके साथ जो कुछ करना है करो, लेकिन जब वो कुत्ते का बच्चा तुम्हें मिल जाए, मुझ पर ही एहसान करना। बोलते जाओ, चूकना मत। डॉम को 2 दिनों में रियो हिफाजत से पहुंचाना जरूरी था, जो एक मुश्किल काम था। उसके परिवार को डोमिनिकन रिपब्लिक में पनाह देना खुशी की बात है। तुम्हें चोट पहुंचाना इस मुल्क से पंगा लेने के बराबर है। तुम यहाँ सुरक्षित हो। कैसे हो मेरे भाई? हाँ वो यहाँ है, मैं उन्हें एयरपोर्ट से ले आया। ये लो तुम्हारा भाई। डॉम, मिया मैं बोल रहा हूँ। हम मोंडो के यहाँ, उसका घर तो किले की तरह है। तुम्हें ब्रायन को देखना चाहिए, अपने आप को FBI समझता है। उसने निगरानी के लिए मोंडो के गराज में अड्डा बना लिया है। तुम्हारा क्या हाल है? कुछ पता चला हमारे पीछे कौन पड़ा है? लगता है लंदन में की गुना हमारा घर तक पीछा कर रहे हैं। ब्रायन को अपने बच्चे के बारे में बताएगी नहीं? मैं उसे बता नहीं सकती। अगर उसे बच्चे के बारे में पता चल गया तो वो यहीं रह जाएगा, और इन हालात में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। बस उसका ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना, और दोनों एक साथ घर वापस आना। ब्रायन से कहना मैं उसे 2 दिनों में लॉस एंजलिस में मिलूंगा। क्यों, कहाँ जा रहे हो? टोक्यो, हॉर्न को वापस लाने। हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला करने वाले का मकसद आखिर क्या था। US के डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस की लॉस एंजलिस ब्रांच में ये हमला हुआ। लगभग 36 घंटों से इसकी जांच पड़ताल जारी है, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पाया है। तुम ठीक हो? ये जो भी है बहुत ही बेरहम है। इसीलिए टॉम को तुम्हारी जरूरत है। तुम दोनों को मिलकर इस आदमी को रोकना होगा, इससे पहले कि वो हमारे परिवार को कोई और नुकसान पहुंचा सके। तुम जानती हो मैं पहले ही बहुत कुछ बिगाड़ चुका हूँ। मैं अपनी जिंदगी जी भी नहीं पाऊंगा अगर इसमें नाकामयाब रहा। ऐसा नहीं होगा, मुझे तुम पर भरोसा है, हम पर भरोसा है। बस और क्या चाहिए? I love you, Brian. I love you, baby. बस मुझसे एक वादा करो, इस काम के बाद और कोई काम नहीं, और कोई दुश्मन नहीं, हमारे पास लौट आओ। मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जानती हूँ। टोक्यो, जापान। मान को जानता है। आन ने बोला था कि तू बहुत फास्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है। हाँ, गाड़ी फिसल गई थी। खान ने बताया था कि वो अपने दुश्मन को कब का भूल गया है। उसने कभी उसका जिक्र नहीं किया। वो अपना राज सीने में छुपा कर रखता था। हमें उसकी गाड़ी में से कुछ चीजें मिली थी, कुछ खास तो बचा नहीं था। यादें जिंदा रहती हैं, पर जिसने भी तुम्हारा यह आश्रय किया है
उसका अंजाम भी यही होगा। अब किसी और को खोना नहीं चाहता। हान मारा गया, हॉब्स अस्पताल में पड़ा है और अब हमारी पारी है। हमारा शिकार हो रहा है। वो कहीं ना कहीं से हम पर नजर रखे हुए हैं। मुझे भी लगता है यही कहीं आसपास है। मेरे को वादा कर ब्रायन, अब किसी का भी जनाजा नहीं निकलेगा। एक का जरूर निकलेगा, उसका। साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। मैंने तुम्हारे भाई से भी यही बात कही थी। अपने गिरेबान में झांक कर देखा। लड़ने तो आए हो पर ईमानदारी से नहीं। मैं यहां कोई खेल खेलने नहीं आया। तुम और मैं, हम दोनों की दुनिया अलग है। मैंने ऐसे खतरों का सामना किया है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अगर यहां रुके तो हाथ से और खतरनाक। मैं क्या लगा ये कुछ सड़क छाप गुंडू का? गोली चलानी पड़ेगी। क्या बात है, आराम से मेरे दोस्तों, हम लोग एक ही टीम के हैं। मिस्टर टोरेटो, मैं यहाँ पर हम दोनों के एक दोस्त की सिफारिश पर आया हूँ। मिस्टर हॉब्स, तुम सले हो कौन? मैं कोई नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है। तो बिना वजूद के बंदे, जिस कमीने की वजह से हमारा दोस्त अस्पताल पहुँच गया, तूने उस कमीने को जाने दिया? नहीं, तुम्हें शायद पता नहीं पर मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें नहीं लगता मेरे आदमी को छोड़ देना चाहिए? किसकी सांसें रुकने वाली है भाई? ये हुई अकलमंदी की बात। वो आ गए। डॉम, देखो जंग छिड़ गई है परछाइयों और हमारे जैसे भूतों के बीच।
तुम और तुम्हारे दोस्त लंदन में उसकी नजर में आ गए हो। अब लगता है वो तुम्हारा घर तक पीछा करेंगे। अब तुम्हारी मर्जी, मैं बियर पीने जा रहा हूं। तुम भी पीना चाहो तो आ जाओ, पर हां, मैं तुम्हें डेकर्ट शॉ दिला सकता हूं। गुप्त मौजी से हल सिंह, कैलिफोर्निया। तो चीयर्स मेरे यार। दाओ, क्या कमाल की चीज है। पता नहीं लोग इसकी इतनी बुराई क्यों करते हैं, इतनी भी बुरी नहीं है। पीना चाहोगे? मैं ये वाली नहीं पीता। हाँ, मुझे मालूम है। तुम्हारे बारे में जानकारी न सिर्फ पूरी है बल्कि ये काफी दिलचस्प भी है। देखो, शॉ सच में बहुत चालाक है। वो एक परछाई की तरह है। मेरा मतलब वो सच में काफी अच्छा है। एक जगह जाने और वहां से निकल जाने में बिना किसी की नजर में और पीछे छोड़ जाता है सिर्फ लाशें। वो कानून की नजर में शातिर बदमाश है। पर तुमको सच्चाई बताऊं डॉम, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि तुम और मैं अपने मकसद के लिए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आगे बोलो। अभी हाल ही के बाद में एक आतंकी ग्रुप जिसका सरगना है मोस्ट वांटेड मोजी जैकैटी, उसने एक नौजवान हैकर को किडनैप किया जिसका कोड नेम है रैम्स। इस बात से हमारी सरकार की नींद खराब हो गई क्योंकि रामजी ने कुछ नायाब चीज ईजाद की है जो बहुत काम की है। वीडियो चालू करो। तो हेलो कहो हमारी जबरदस्त पेशकश। उस शातिर दिमाग ने डिजिटल नेटवर्क पर मौजूद हर चीज को हैक किया, फिर चाहे वो सेलफोन हो, सैटेलाइट हो, एटीएम मशीन हो या कंप्यूटर। अगर तुम्हारे अंदर कोई चिप या माइक्रोफोन होता तो वो तुम्हें भी ढूंढ सकता। तो तुमने मुझे यहाँ ट्रैकिंग डिवाइस दिखाने के लिए बुलाया? नहीं, जोश भरने के लिए, बहुत सारा जोश। चलो तुम्हें इस तरह समझाता हूँ। हमें बरसों लग गए ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में। इस डिवाइस की मदद से हम उसे कुछ ही घंटों में ढूंढ लाते, फिर वो पाताल में ही क्यों ना छुपा होता। लेकिन ये जबरदस्त डिवाइस अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो विनाश हो जाएगा। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से हमारी सरकार सीधे इन्वॉल्व होकर उसे छुड़ाकर नहीं ला सकती और ये फैसला हो चुका है। और इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं कहीं आराम से बैठकर अपने बियर का मजा लूंगा। शौक को मेरे पास आने दो। हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो, पर क्या ये तरीका कभी काम आया? तुम्हारा एक दोस्त दफन हो चुका है, दूसरा अस्पताल में पड़ा है, और हाँ, एक छोटा सा हादसा भी तो हुआ था। उन्होंने बॉम्ब से तुम्हारा घर तबाह कर दिया था। शॉ उस दुनिया में रहता है जो तुम्हारे बनाए नियमों पर नहीं चलती। पसंद आए या ना पसंद, तुम भी अब उसी दुनिया का हिस्सा हो। क्या तुम्हें परछाई को पकड़ना आता है? तुम सिर्फ एक हल्की रोशनी उस पर डाल सकते हो। अगर तुम उस नायाब इजाद को ले आओ तो इस बात की इजाजत है कि तुम उसे इस्तेमाल करके शॉ को पकड़ सकते हो। तुम शिकार से शिकारी बन जाओ। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां शॉ तुमसे छुप सके। सबसे अहम बात, तुम और तुम्हारा परिवार अब फिर कभी किसी अपने के जनाजे में नहीं जाएगा। रैमजी के मिलने से वो डिवाइस मिलेगी और साथ में मिलेगा शॉ। उसके बाद खेल खत्म और बसारा। अब मैंने तुम्हें ये बहुत अहम और सेंसिटिव और गुप्त जानकारी दी है, तो अब क्या सोचते हो टोरंटो? समझदार को इशारा ही काफी है। गुड, पर मैं अपने तरीके से काम करूंगा, अपनी टीम के साथ। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने खुद ही फैसला करके तुम्हारी टीम को यहां बुला लिया है। ये बापू, यहां पे हो क्या रला भट्टा? खुफिया एजेंसी ने खबर दी है कि रामजी को एक ट्रक में ले जा रहे हैं। सैटेलाइट से लोकेशन पता चल गई है। रामजी एक बहुत दूर पहाड़ी इलाके में है। रुक रुक, मेरे को ये बात भेजे में डाल लेते। वहाँ अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और बाहर आने के लिए हर तरफ गहरी खाई है। गाड़ियों की डेंजर पलटन है जिसकी हिफाजत छोटी मोटी फौज करती है, आगे पीछे दोनों बाजू से। सही सब। हाँ तो भाई, छाने ठंडा ले। सबसे पहले तुम लोग ने मेरे को पुलिस चौकी में फंसाया, हुआ था नहीं। बाद में तुम लोग ने टैंक उड़ाने को बोला, मेरे को करने का नहीं था लेकिन दोस्ती खाते में कर डाला। फिर तुम लोग के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया है, एक उड़ते हुए प्लेन को जमीन पर लाके रख देने का। सॉलिड, अपने बड़े भाई लोग के लिए वो भी किया, उड़ा डाला।
लेकिन ये जो तुम यहाँ पर बता रहे हो इसका एक ही हिसाब है, उड़ता हुआ तीर पकड़ के सीधे अपने पे ले लेने का। अरे जो उड़ते हुए प्लेन को नीचे गिराता है उसकी इतनी क्यों बड़ी है? नहीं, मैंने तो सिर्फ एक ही चीज नीचे गिरती हुई देखी है, तेरी पैंट। याद है ना बटन टूट गया था। हु? अब ऐसा बोलेगा वो सब बाहर निकालने का? तुम लोग पॉइंट काट रहे हो, मजा आ रहा है? मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि मैं थक गया हूँ यार तुम लोग के सारे सड़ेले प्लान से, इसलिए इस मिशन का कैप्टन अपन होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपन घर जाने लायक। ठीक है रोहन, बताओ करना क्या है? नहीं मेरा मतलब अपन को शाड़ा नहीं बनने का है, नेतागिरी भी नहीं करने की, अपन तो बस एक आम आदमी है, लेकिन कभी कभी अपना भी सुनने का ना, मार्केट में अपनी इज्जत है उसके बारे में तो सोचो। वैसे अभी काम पे ध्यान दो। तो अपन का दिमाग ये बोलता है कि मेरा सोचना ये है, रसगुल्ले तू मत सोच, सोचने का काम मेरा है। ठीक है, वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। उस पूरे पहाड़ में वो सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है, क्योंकि वहां तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूँ येड़े, उन लोग को कोई आइडिया इसलिए नहीं रहेगा कि यहाँ से भी कोई हमला कर सकता है। हालांकि ये बकवास कर रहा है, लेकिन एक बात कहूँ, इसकी बात पे दम है। तुम क्या सोचते हो डॉन? यहाँ से वज तो लगता है प्लान मिल गया। बिल्कुल ही गलत प्लान, लेकिन मुझे अच्छा लगा। देखा छिछोरे, बहुत तारीफ कर रहा है। अच्छा है, पर ये बताओ तुम इस रोड तक पहुंचोगे कैसे? वो तेज सब मैं बोलूंगा क्या? मैंने सोच लिया है, वो तुम मुझ पर ही छोड़ दो। देखा बोलते समझ गया, ये सब अपन लीडर है इस करके। ये साला, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी फाइल्स पढ़ रहा था तो मैं तुम्हारी टीम की कामयाबियों से बहुत प्रभावित हुआ, पर अब उनसे मिलने के बाद मैं कहना चाहूंगा डॉम, तुम्हारी टीम में सचमुच नमूने भरे। मेरी वर्कशॉप को अब अपना नया खेल का मैदान समझना। मुझे लगता है तुम्हें हमारी कारें बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, और तुम्हारी टीम अब पूरी हो गई है। तुम्हारे घर गई थी मैं, तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं मरने वाली हूँ। ये तुम्हें कहां से मिला? हॉर्न की कार में मिला। ये एक संदेश की तरह है जिसकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या तुम साथ चलोगी? हाँ जरूर चलूंगी, हॉर्न मेरा भी परिवार था। ब्रायन, हमें लंबे सफर के लिए सस्पेंशन चाहिए होगा ताकि कार फिसले नहीं, गियर मजबूत होना चाहिए। तेज, मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें इस गाड़ी की और उस गाड़ी की खूबी हो। अगर हथियार ज्यादा बढ़ गए तो गाड़ी का वजन बढ़ जाएगा, इससे रफ्तार कम हो जाएगी। इस बार सिर्फ रफ्तार तेज होने से काम नहीं चलेगा। ये भी ठीक ही है, रास्ते पर गाड़ी भगाने से तो अच्छा ही है। क्या रोमन पसीने छूट रहे हैं क्या? नहीं। चल छूटे, बोला ना नहीं। देख भाई, मुझे मालूम है कि तू बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, लेकिन फिलहाल तेरी हवा निकल रही है, तो जितनी हो सके निकाल ले। भाई मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, हवा के साथ कुछ और भी निकल सकता है, इसलिए तेरी गाड़ी में तेरे साइज का डायपर रख दिया हूँ। अगर लीकेज हो तो दिमाग का सही करना बंद करेगा क्या? मैंने बहुत से खतरनाक मिशन देखे हैं डॉम, लेकिन इस मिशन से सत्ता के लोग खफा हो सकते हैं, इसलिए जितना हो सके इसको एहतियात से करना। फिक्र मत करो, एक बात कहूँ डॉम, अगर इस मिशन में कामयाब हो गए तो जश्न तुम्हारे हिसाब से होगा, ये वादा है। इतना एहसान मत करो मुझ पर। अब कोई मेरे को बताएगा कि अपने को करने का क्या है? करना क्या है ये तो तू बताएगा, ये तेरा प्लान है। अब उनका प्लान ये नहीं था। तैयार हो जाओ सब लोग, खेल शुरू हो रहा है। चल रोमन, आज तुझे जन्नत की हूर से मिलाता हूँ।
ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ। ते रहने का जिनमें कीड़े होते हैं। क्या कर रहा रोब? तू नहीं आएगा तेरे बगैर काम नहीं होगा। मैं नहीं आने लाऊ। बकवास मत कर रोब। अरे तू कब से फटू हो गया? गाड़ी चेयर पे डाल, रिवर्स लगा और बाहर निकल। दिमाग मत घुमा ब्रायन, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। दिमाग तू घुमा रहा मेरा। देख भाई, मैं पायलट के साथ ऊपर ही रुकता हूँ। ऊपर से भी तुम लोग को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई होना चाहिए ना। वक्त बर्बाद कर रहे हो, पैराशूट जीपीएस से जुड़ा हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। समझ गया भाई। देखो भाई लोग, बुरा मत मानना, माफ करना। ओके, अपने को भी आने का था लेकिन अपन आ नहीं पाए। टेंशन मत ले, तेरे बिना मैं नहीं जाऊंगा। बोले तो मतलब क्या है? तो दोबारा हाथ नहीं आएंगे और वो रैमसी से सारी जानकारी निकाल लेंगे। वाइफ का शौक कमाने का मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जल्दी मिलते हैं। रैमसी बस के अंदर है। तो देर किस बात की है? कैप्टन भी हमारा पीछा कर रहा है। रोको नहीं, तैयार हो जाओ। आज दिवाली है, देख आ गया, आ गया, आ गया। सब लोग एक कतार में आ जाओ। बुलेट प्रूफ है मेरी जान, अब खिया
आराम से गली मारे। रफ्तार बढ़ाओ। मेरा नाम ब्रायन है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आओ, पहले तुम शांत हो जाओ। ला, मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ। सर, एक अनजान गाड़ी इनका पीछा कर रही है। अगर तुम नहीं कूदी तो तुम मर जाओगे। ओके, चलो तैयार हो जाओ, कूदो। Thank you.
हिफाजत कर रहा हूं। लगता तो है।
बाकी साथियों के पास जाओ। तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरी फिक्र मत करो। मैं उस बंदे का नाम जरूर जानना चाहूंगा जिसने मेरे लिए इतनी सारी मुश्किलें पैदा कर दी। ये कर क्या रहा है? अब उसका बचना मुश्किल है। वो उन भेड़ियों का शिकार बन गया है। उसका शिकार इतना आसान नहीं है। कम ऑन डोमिनिक, लड़की हमें सौंप दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब क्या करने वाले हो? लगता है तुम्हें हेलमेट पहनने की जरूरत पड़ेगी। हेलमेट? ड्राइवर पे निशाना लगाओ। आखिर ये करने के वाला है? तुमने खाई की तरफ गाड़ी मोड़ ली है। हाँ मैं जानता हूँ। तीन की गिनती पर पार करना। बहुत अच्छे। तीन, दो, शो शुरू। काम हो गया। पहाड़ों से उतरने का एक ही रास्ता है। रैमसी कहाँ है? चालाक बिल्ली जाग गई। ये छमे हैकर जैसे दिखते नहीं है। ओ अच्छा, तो तू बता कैसे दिखते हैं? जैसे भी होंगे ऐसे नहीं होंगे। अबे आप उन्हें पिक्चर में देखेला है, वो लोग चाड़ा चश्मा पहनते हैं, साइंटिस्ट जैसे दिखते हैं, अजीब कपड़े पहनते हैं, चेहरे पे पिंपल होते हैं, चाय कॉफी पीते रहते हैं। लेकिन माँ कसम, ऐसी चिकनी कंप्यूटर हैकर के लिए अपना पेन ड्राइव तैयार रहता है। कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हारा सिर टकराया था, चक्कर तो नहीं आ रहे? कान तो नहीं बजे? नहीं ना। मेरा जूता कहाँ है? हवा में उड़ गया होगा कहीं। अगर तुम्हें कुछ ठीक ना लगे तो मुझे बताना, ओके? मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बचाने के लिए तुम्हें शुक्रिया कहूँ या तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ मेरी ऐसी हालत के लिए। शुक्रिया कहो या मुंह तोड़ दो, सिर्फ इतना बताओ कि वो डिवाइस कहाँ है। मैंने वो अपने दोस्त के पास भेज दिया, अबू धाबी में। ये तो बड़ी आसानी से बता दिया। दूसरी टीम के लोग तो तुम्हें इस जानकारी के लिए बहुत सताते। मुझे उन पर भरोसा नहीं, लेकिन तुम पर है। तुम हम पे भरोसा क्यों करोगे? तुम हमें जानती तक नहीं, मैं काफी कुछ जानती हूँ। भूतपुर पुलिस वाला या मिलिट्री वाला, ऐसा ही कुछ। जिस तरह से तुमने उन्हें मार दी, दिखाता है कि तुम माहिर हो।
तकनीकी बंदे को हैकर बुलाना उसकी बेइज्जती है, समझ रहे हो ना? हीरो, हीरोइन, जोकर। गलत। मैं तो मेन हीरो हूँ, इन सब का लीडर मेरी लगते जिगर। जहाँ देखो चांस पे डांस मारने लगता, बैठ जा बैठ जा। साले सब जलते और काला मैं हो रहा हूँ। जिंदगी दो राह है, शून्य और एक के बीच सिर्फ दो बातें इन संख्या को साथ रख सकती है, डर या ईमानदारी। और मैं तुम सब में डर का निशान तक नहीं देख रही। बहुत ही तेज दिमाग है, पर एक बात बता दूं, ये दोनों शादीशुदा नहीं है। छोकरी के सामने शानपट्टी कर रहा है, वो बोल रही है उसे बोलने दे। तेरी होने वाली भाभी है, जरा इज्जत से रिहा कर भाई। क्या तुम गवर्नमेंट के लिए काम करते हो? हम दोनों का मकसद एक ही है, देश। बेटी को फोन करो, हम मिडिल ईस्ट जा रहे हैं। क्यों राम, उन पहाड़ों पर काफी मजा आया? नहीं, जान को खतरा था, पर हमने अपना काम पूरा किया। सबसे हैरानी की बात तो यह कि तुम गोली से बच गए। बहुत गड़बड़ हो गई थी। ब्रायन, मैंने तुम्हें ट्रेन से प्लेन से कूदते हुए देखा है। पहली मुलाकात में ही मैंने तुम्हारी हिम्मत देख ली थी। अच्छा, बहुत हिम्मत वाले काम करते हुए मैंने तुम्हें देखा है। एक अच्छा इंसान बनना मियाँ के लिए, एक महान पिता बनना मेरे भांजे चैक के लिए। हर कोई रोमांच करना चाहता है, पर असलियत क्या है? एक परिवार, तुम्हारा परिवार, उन्हें तुम्हारी जरूरत है ब्रायन। अबे तू रेगिस्तान में है तो गर्मी नहीं तो क्या ठंड लगेगी? अबे पानी से आग निकल रही है, दिख नहीं रहा है? समंदर में जाके नमकीन हो गई। हाय, इस हरियाली के लिए तो मैं कहीं भी झंडा गाड़ दूं। जाके माउंट एवरेस्ट पे झंडा गाड़, इसे पहले मैंने देखा है, ये मेरी है। अबे वो कोई बीएसटी बस की सीट नहीं है जो रुमाल लगा और तेरी होगा। अवस के पुजारी घूरना बंद कर। क्यों, तेरे नाम का स्टैंप लगाया गया जिसमें है दम फक्त रोमन। उनमें दम है तो पानी कम है। कहीं तुम दोनों से लाइन तो नहीं मार रहे हो? अपनी शक्ति देखिए। अरे मेरे मजनू, वो जलपरी किसी के हाथ नहीं आने वाली। 2 साल पहले मैं भी इसी तरह रामजी के पीछे पड़ा था, उसने जो मुझे लात मारी, उसे दूरी रहो तो बेहतर है। रामजी, हाय सफार। तो तुमने नए दोस्त बना लिए हैं? हाँ, कुछ गरम दिमाग नए दोस्त। मुझे वो स्पीड ड्राइव चाहिए जो मैंने तुम्हें भेजी थी। ओ, तुम्हें जानकर खुशी होगी, मैंने उसे बेच दिया। तुमने बेच दिया? कुछ सुना तुम लोगों ने? मैंने उसे संभाल कर रखने के लिए तुम्हें दिया था, बेचने के लिए नहीं। हमें वो वापस चाहिए। ये नामुमकिन है सफार। वो ड्राइव मुझे कैसे भी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ओके ओके, गुड न्यूज, वो हिफाजत से है। और बुरी खबर? कुछ ज्यादा ही हिफाजत से। मैंने उसे जॉर्डन के प्रिंस को बेच दिया जो उस टावर के टॉप फ्लोर पर रहता है, बड़ा मालदार है। उसने वो ड्राइव अपनी कार के लिए खरीदी। बोले तो अपने टाइप का है, मालदार है, गाड़ियों के लिए पागल है। वैसे उस कार में खास क्या है? 242 माइल पर आवर टॉप स्पीड।
और बुलेट प्रूफ भी है। 240 मतलब अपन जब उसको चलाएगा तो हवा से बात करेंगी, आइटम लोग तो अपन पे फिदा हो जाएंगी। छोड़ना, वो उसे रखता कहाँ है? अपने पेंट हाउस में, टावर नंबर वन। कौन पागल अपनी गाड़ी को पेंट हाउस में रखता है? जब इतने पैसे होना दोस्त, तुम जो चाहो कर सकते हो। तो कल हमारे साल का सबसे लंबा दिन, प्रिंस उसे मनाने वाला है, जबरदस्त पार्टी है कल दोपहर से। और उस पार्टी में हम भी शरीक होंगे। जरूर, पर ऐसे कपड़ों में नहीं। क्यों देख रहे हो? बस तुम्हें देख रहा हूं, नजर नहीं हट रही तुमसे। हैंडसम लग रहे हो। इन कपड़ों की आदत नहीं है। मुझे भी नहीं है। इस तरह के ड्रेस में तुम्हें देखकर मैं कुछ सोचने लगा हूं। किस बारे में? पुराने दिनों के बारे में। गोरी सुनहरी कौन कहता है कि रेगिस्तान में फूल नहीं खिलता है? यहाँ पर तो पूरा बाग है। दे देना, अपन इधर ही सेटल होएगा। अपन इस रेंज में लाए। ओके, हम अंदर पहुँच गए। अगर हमें कामयाब होना है तो सब कुछ साफ से काम करना होगा। इसका क्या काम है हर किसी को बताइए। रोमन कहीं मुंह मत मारना। मेरे पास खजाना है इसलिए जलता है क्या? की गाड़ी में जो स्पीड ड्राइव लगा हुआ है उसमें रैमसी का आविष्कार है, और वो गाड़ी थी चोरी में। यहाँ पे 8 से 10 सादे लिबास में सुरक्षा कर्मी है। प्रिंस की फिक्र करना छोड़ दो, और ना ही उसके बॉडीगार्ड की। सिक्योरिटी कैमरा उत्तर की तरफ ऊपर लगे हुए हैं, जहाँ पर तिजोरी। तिजोरी तक पहुँचने के लिए हमें सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा, और उसके लिए हमें प्रिंस के बैगों में घुसना होगा। दोस्तों, मैं अंदर जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप उस तरफ जाइए, पार्टी वहाँ चल रही है। एक्चुअली मैडम, यहाँ आना मना है। ये रूम यहाँ के प्रिंस के बारे में। एक बार हम अंदर पहुंच गए तो रैमसी और मैं नेटवर्क को हैक कर सकते हैं और दरवाजा खोल सकते हैं ताकि तुम अंदर जा सको। एक मिनट, आप लीडर है। आपने को क्या करने का है? कोई कुछ बताया नहीं? नहीं, तू तो हमारे हुक्म है। जब पहली बार आए तो वही करना जिसमें तुम आए। और वो क्या है? खूबसूरत बला को अपनी तरफ खींचने में। अंदर आ गई हूँ। उनका कनेक्शन ढूंढो, वो दीवार के नीचे की तरफ होगा। जो केबल होगा उसकी क्षमता 350 मेगाहर्ट्ज़ होगी, और ऐसे कई दर्जन केबल होंगे। पर इस केबल पर फायर प्रूफ का लेप होगा। कौन सा वायर काटना है? ऑरेंज कलर का वायर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब कंट्रोल अपने हाथ में है। वही करो जो तुम्हें आता है। अरे आज तेरा बर्थडे ना, तू जैस्मिन है ना? यार वही घिसा पीटा बर्थडे वाला प्लान। किसी ने इसे कोने में पैर पे पैर चढ़ा के बैठे लिए। आ जा। एक्सक्यूज मी, आवाज दो थोड़ा साइड में। इधर खुले में खड़ी रहे। एक मिनट, ये डंबल बाजो। एक मिनट, अच्छा भाई लोग और भाई लोग की बहन लोग, जरा इधर ध्यान दो। अपना ग्लास थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, कोई लेके नहीं जाएगा। आज अपने खास मेहमान जैस्मिन कली से फूलों के लिए, बोले तो 18 साल की हो गए लिए। तो हैप्पी बर्थडे गाना गाओ। Happy birthday, Terry Koo! Party ka josh padhane
निकला तो कुछ नहीं कर सकता। खुद बहुत मजा किया है। तो ठीक तो है, ज्यादा देर रुक नहीं सकता। ये आखिरी गेट है, तुम्हें जल्दी बाहर निकलना होगा। डैशबोर्ड खोलो और उसमें से निकालो। तुम बोलो अंदर कैसे घुसे? नहीं 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 भाई साहब, आपको गलत कहनी हुई है। एक्चुअली वक्त है इस बला को आजाद करने का। मैंने तुम्हें अबू धाबी की सबसे बड़ी पार्टी में एंट्री दिलाई।
सरकार, तुम लोगों ने प्रिंस की कार चुराई, फिर उसे दो बिल्डिंगों से उड़ाया। दरअसल तीन बिल्डिंग थी। ओ, दो बेइज्जती और तीन इज्जत, मेरी गलती। क्या बात है, बहुत खूब। मुझे कहना पड़ेगा, तुमने मेरे एहतियात रखने के मशवरे का अलग ही मतलब निकाल लिया मिस्टर टोरेटो। मुझे लगा डॉम हमारे बीच एक समझौता हुआ था। कभी कभी हालात देखकर बाजी खेलनी पड़ती है, इसीलिए मैं सिर्फ पत्ते बांटता हूँ, खेलता नहीं। गुड नाइट। हाँ, मुझे अपने ही गैराज से निकाला जा रहा है। क्या मुझे ब्रायन दे दो इसे। इतना सारा हंगामा इस छोटी सी चीज के लिए, मानना पड़ेगा डॉम तुमने बहुत शानदार काम किया है। तुम सबने, मेरे सारे आदमी यहां मौजूद हैं और तुम्हारा हुक्म पूरी तरह मानेंगे। तुम्हारे हवाले रैमजी, कनेक्ट करो इसे और शव को ढूंढो। क्या बात है, ये तो कमाल है। ठीक है, बस ये क्या हो रहा है? सर्च कर रहा है, एतिहाद टावर्स में लगे सिक्योरिटी कैमरास को ये हैक कर रहा है। ये आखिरी जगह जहाँ तुमने शव को देखा था, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। ये वही है, वहाँ। रुको रुको रुको, ये नंबर, ये सब क्या है? ट्रैकिंग के लिए ये शव का चेहरा बनाना है। उस चेहरे को हर कैमरे से मैच करेगा, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी ट्रैक करेगा। मिल गया, लगता यही उसका ठिकाना है। क्या बात है, अपने आप चलने वाली फैक्ट्री, कोई बंदे नहीं, बहुत सी जगह छुपने के लिए। तुमने तो इंसान की तलाश का तरीका ही बदल दिया, मुबारक हो। हो गया तो मेरे को फेसबुक चेक करने का था, कर लो क्या? दो घंटे में सूरज निकलेगा, तब तक हम शव को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। जाकर कपड़े बदल लो। हमें चलना चाहिए अभी, तुम, तुम्हारी टीम और मैं। मुझे लगा तुमने कहा था सुबह। मेरे साथ ही रेसर है, दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसर, पर वो कातिल नहीं है। जानता था तुम यही कहोगे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ डॉम, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। बात बढ़िया, लगता है हमारे पास शिकारियों की अच्छी टोली है, चलो चलकर शिकार करते हैं। हमारी मंजिल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हमले के लिए तैयार, हम पहुंच गए। कुछ मगाऊं खाने के लिए? बस इतने लोग मुझे पकड़ने के लिए? सिर्फ एक दर्जन आदमी? तुम्हारी धज्जियां उड़ाने के लिए इतने लोग काफी हैं।
मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और तुम? तुम्हें क्या लगा टोरेटो, तुम मुझे अचानक से गिरफ्तार कर लोगे और मैं यहाँ बैठा तुम्हारा मुंह देखता रहूंगा? तुमने वो कहावत सुनी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मेरा कोई दोस्त नहीं, सिर्फ मेरा परिवार है। अच्छा, पर मेरे बहुत से दोस्त हैं। दो दो की टुकड़ी बनाओ शर्मा, डेढ़ को मारो। तुम्हें क्या लगा मैं बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के चला जाऊंगा? तुम्हें चोट लगी है। देखो टोरेटो, मुझे मालूम है तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि तुम्हें मेरी वाले बियर ट्राई करनी चाहिए डॉग, वो सचमुच बहुत स्पेशल है। ओ, तुम्हारी वाली। घबराओ मत, हम तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। नहीं, तुम नहीं ले जा पाओगे, मैं अपने डॉक्टर साथ रखता हूँ, इमरजेंसी के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं। गाड़ी साइड में रुको। तुम्हें रामसी की हिफाजत करनी होगी, जब तक वो जिंदा है वो उन्हें डिवाइस से दूर रख सकती है। वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उसे पकड़ नहीं लेते, और इस बार जब वो आएंगे तो अपनी पूरी ताकत के साथ आएंगे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम नहीं, मैं छोड़कर जाऊंगा। अब जाओ डॉग। जंग हम पर थोप दी जाती है चाहे हमें पसंद हो या ना हो, पर अगर जंग करनी ही है तो हमें वहां करनी चाहिए जिस जगह को हम बेहतर जानते हैं। मैं पूरी तरह तैयार हूं भाई लोग, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। लेकिन तुम लोग ने वो लोग की इतनी बड़ी फौज देखी क्या?
इसका मतलब मेरे को डर नहीं लग रहा है, लेकिन अपन के पास एक गन भी नहीं है। गन? हमारे साथ पूरा शहर है। अगर वो रैमसी के डिवाइस को शहर के कैमरे से कनेक्ट करके हमें ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें आराम से वायरस फैला सकते हैं, ताकि हम उनके सिस्टम में घुस सकें। यानी तुम मेरे हैकिंग डिवाइस को हैक करोगे, क्या बात है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उनके सिग्नल्स की क्षमता बहुत कम है। हम उन्हें 2 किलोमीटर की रेंज में ही हैक कर सकते हैं। काफी पेचीदा मामला है। पेचीदा? तुम लोग समझ नहीं रहे हो। वो लोग के आसपास भी भटके ना तो वो लोग उड़ा डालेंगे। तुम लोग का मालूम नहीं, लेकिन अपन का आज मरने का कोई मोड़ नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है जिंदा रहने का, हमें रैमसी के साथ एक खेल खेलना होगा। क्या? वो हम पर हमला नहीं करेंगे अगर हम जगह बदलते रहे। मैं शो से निपटूंगा। इसका मतलब साफ है, हम सबको लुका छुपी का खेल खेलना है, और उसके लिए मुझे बलि का बकरा बनाना क्यों लग रहा है। ब्रायन, तुम ठीक हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ कुछ अजीब होने वाला है। अगले 24 घंटों में अगर तुम मेरी कोई खबर ना सुना तो तुम चैक को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना। तुम समझ रही हो मैं क्या क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकती ब्रायन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हमारा एक और बच्चा होने वाला है, एक छोटी सी गुड़िया, और उसे अपने पिता की जरूरत पड़ेगी। तो तुम वो काम खत्म करो और उसके पास वापस आ जाओ, हमारे पास वापस आ जाओ। माफ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, लेकिन मुझे डर था कि तुम इस जिंदगी से, इस खबर से खुश नहीं होगी। तो ये बताया, सही फैसला मैंने कब किया था? जब मैं एक स्टोर में गया था और वहां से एक सैंडविच खरीद कर लाया था। और कितना खराब सैंडविच था। जानता, फिर भी मैंने खाया था। I love you, Mia. ऐसा मत करो। क्या? ऐसे मत कहो जैसे तुम गुड बाय कह रहे हो, कुछ और कहो। जैक को मेरा प्यार देना। हाँ दूंगी। I love you, Roy. I love you, Mia. देख लेगा, रैमजी का पता करो। यस सर। yes,
समझ में नहीं आ रहा है अपना ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहे ले, पेट्रोल घला रहे ले, एक जगह पार्क करके ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि ये उस तरह का काम नहीं है। हमें अपने दुश्मन के करीब रहकर रैमसे को रेंज में रखना होगा ताकि वो उन्हें हैक कर सके। हमें अपनी जगह बदलती रहनी होगी ताकि हमें कोई आसानी से मार ना सके। इसलिए अपना मुंह बंद कर और ड्राइविंग चालू रख वरना गाड़ी ठुक जाएगी। मिल गई, वो कार में है, आगे बैठी है एक नीले रंग के GTR में। दोस्तों वो करीब है। कितनी गाड़ियां हैं? एक भी नहीं, वो हेलीकॉप्टर से आ रहे। ठीक है, उन्हें हमारा पीछा कर दो, अलग अलग दिशाओं में चलो। 3, 2, 1 चलो। अटकाने का ये खेल काम नहीं आएगा। इस डिवाइस से तो झुक नहीं सकते। वो हमारी रेंज में है। रैमसी हैकिंग शुरू करो। शुरू कर रही हूँ। हो रहा है। सर, लगता है कोई हमारा सिस्टम हैक कर रहा है। ये रैमसी का काम है। मिसाइल से हमला करो, खत्म करो उसे। मिसाइल छोड़ रहे हैं। सामने उससे बड़ी मुसीबत है। ओह माय गॉड, तुम क्या कर रहे हो? पुरानी तरकीब आजमा रहा हूं। Thank you.
के साथ। वो बच गया। यकीन नहीं होता कि हमने कर दिखाया। नहीं नहीं नहीं, हमें अभी भी हैक किया जाना है। क्या? रैमजी अभी भी ट्रैक हो रही है। ड्रोन को उसके निशाने पर ही रखो, कहीं ना कहीं से तो सिग्नल जरूर मिलेगा। सैटेलाइट टावर से हैक कर रहे हैं। उड़ा दो उसे। टोरेटो, अरे ये क्या हुआ? ये तो खत्म होने वाला था। उन्होंने सिग्नल काट दिया, मैं हैक नहीं कर सकती। बोले तो ब्रायन, उन्होंने टावर उड़ा दिया। डैडी, क्या हो गया? डैडी को काम पर जाना होगा। करने की कोई बात नहीं बेटे, एलेना अब आती ही होगी। तुम्हें पता है क्या करना है, मुझे गुड लक दो। तुम्हें क्या लगा ये सड़क छाप गुंडों की लड़ाई है? तुमने बिल्कुल सही सोचा था। एक भी बिल्डिंग के टेरेस पर चले गए तो हम सिग्नल को दोबारा शुरू करके अपना काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। सर आपने सुना, वो कौनस पैदल ही रिपीटर की तरफ जा रहा है, वो दोबारा हैक करने की कोशिश करेगा। रैमजी को ही मिसाइल के निशाने पर रखना। गेट, वो कौनस सिक्सथ स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, उसे वहां पहुंचने मत देना। वो लोग जानते नहीं कि आगे कितना बड़ा खतरा है। पहले टैंक था, फिर प्लेन,
अब ये क्या स्पेसशिप? ये स्पेसशिप नहीं, ये ड्रोन है। वो अच्छा ड्रोन है, मेरी जनरल नॉलेज नहीं पूछ रहा हूँ। इससे कैसा बचने का उसके बारे में सोच रहा हूँ। अबे गधे दिमाग नहीं, गाड़ी चला। लेडी हम लोग को मदद चाहिए, रैम्सी खतरे में और मैं भी। मैं बस पहुंच गई हूँ। फिर तो उड़ी मारने को रेडी ने। टारगेट निशाने पर है। फायर! निशाना लग गया। नहीं नहीं नहीं, रैम्जी अभी भी जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? वो पुल के नीचे छुप गए। क्या? जितना जल्दी हो लेटी निकल लो, वो अब तुम्हारे पीछे पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कार भी तबाह हो गई तो हमें बचाने कौन आएगा? हमें बचाने, हम आखिरी बचे हैं। कहाँ है वो लोग? इस ब्लॉक पूर्व की तरफ तेजी से जा रहे हैं। किस तरफ जाना थे? मेंटेनेंस हिस्से के पास एक नॉविस लिफ्ट है जो तुम्हें सीधा टावर तक ले जाएगी। ब्रायन तुम्हें जल्दी करना होगा। सुरंग में जाके उसे बच सकते हैं। निशाने पर है। फायर! अब बचना मुश्किल है। टारगेट बिल्कुल हमारे सामने है। किस्सा खत्म करो। Oh!
क्या हुआ? सर, किसी ने हमारे ड्रोन को बर्बाद कर दिया है। क्या? ए, क्या तुम फौज लाए हो? पार्टनर, मैं ही पूरी फौज हूँ। सही कह रहे हो। ये कौन है? ये हॉब्स है। मैं पहुंच गया हूँ। उसमें एक एक्सिस केबल होगा, उसे मोबाइल से कनेक्ट करो, रैम से दोबारा ऑनलाइन हो जाएगी। रैम से हो गया। राजी कर दिया, हम फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। हमने सिस्टम को हैक कर लिया। वो इस सिस्टम से छेड़खानी कर रहा है। क्या? मिलिट्री यहां आ रही है, 3 मिनट में पहुंच जाएगी। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। तेज, रोमन, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। ठीक है भाई, इंतजार कर रहा है। शॉ के साथ हमारा सफर यहीं तक था। दोनों को मार दो। जहां तक सड़क छाप झगड़े की बात है, तो हमेशा सड़क ही जीतती है। Thank you.